भारतीय हॉकी टीम इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई, लेकिन टीम ने इस बार भी निराश नहीं किया और ब्रॉन्ज मेडल लेकर वतन लौट रही है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। लगातार दूसरे ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अपना 13वां मेडल जीता है। भारत ने अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जीत के हीरो रहे। उन्होंने स्पेन के खिलाफ दोनों गोल किए। टूर्नामेंट में हरमनप्रीत के सबसे ज्यादा 10 गोल हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हॉकी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। उनका वादा है टीम और मेहनत करेगी और अगले ओलंपिक में मेडल का रंग बदलेगी। गोलकीपर पिया श्रीजेश जीत के बाद गोल पोस्ट पर चढ़ गए। पूरी टीम ने हॉकी उठाकर श्रीजेश को सम्मान दिया। श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक मैच था। हॉकी टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पीएम ने फोन कर विजेताओं से बात की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.